हाय, आई एम सचिन पिलगांवकर और मैं आया हूँ किड्स रीड पर। आज की कहानी है द गर्ल हु नेवर मेड मिस्टेक, कि ऐसी लड़की जिसने कभी भी जिंदगी में गलती की ही नहीं। देखिए आपने कोई ऐसी लड़की, तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। दिस इज बाय मार्क पेट एंड गैरी रूबिनस्टीन, इलस्ट्रेटेड बाय मार्क पेट। तो अभी कहानी शुरू करते हैं। अब इस लड़की का नाम क्या था, ये जो लड़की है जिसने कभी गलती नहीं की, बीट्रिस बॉटमवेल, ऐसा नाम था उसका। फॉर बीट्रिस बॉटमवेल फ्राइडे बिगेन लाइक एनी अदर डे। फ्राइडे मतलब शुरू हो गया जैसे कोई भी दिन जैसे शुरू होता था, वैसे फ्राइडे शुरू हो गया। शी मैश्ड हर सॉक्स एंड ऑफ कोर्स शी पुट हर शूज ऑन देयर प्रॉपर फीट। सॉक्स बिल्कुल मैचिंग पहनती थी वो, हाँ, और जूते भी मतलब लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में नहीं, सीधे सीधे जो भी होता है जूता वहीं पे पहनती थी। शी रिमेंबर्ड टू फीड हर हैमस्टर, मतलब उसका पेट हैमस्टर एक छोटा सा चूहा होता है, उसका नाम उसने रखा था हम्बर्ट, को खाना खिलाया। शी फेड हर पेट, उसका पसंदीदा था ब्रोकली, होती ना ग्रीन ग्रीन सी, वांग 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 करके खाता था वो। एंड व्हेन शी मेड अ सैंडविच फॉर हर ब्रदर कार्ल्स लंच, शी यूज्ड एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ पीनट बटर एंड जेली। मतलब अपने भाई, छोटा भाई कार्ल, उसके लिए जब वो सैंडविच बनाती थी तो पीनट बटर होता है ना जो लगाते हैं हम लोग ब्रेड पे, वो और जेली भी लगाती थी, लेकिन बराबर परफेक्ट लगाती थी, मतलब कम ज़्यादा नहीं, कहीं बाहर गिर रहा है, कहीं यहाँ स्पिल हो रहा है, नहीं, परफेक्ट करती थी वो, उसकी आदत थी, वो परफेक्शनिस्ट थी। व्हेन शी स्टेप्ड आउटसाइड टू ग्रीट हर फैंस, शी डिडंट फॉरगेट टू से गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। उसके बहुत सारे फैंस थे, ये देखो इतने कितने फैंस है, देखो ना, इतने फैंस तो मेरे भी नहीं है। दे आस्क्ड इफ शी मेड हर बेड, बिस्तर बनाया, पूछा उन्होंने, शी सेड यस she had. They asked if she forgot to do her math homework. Nope. वो math का homework भूल कैसे सकती है, सब कुछ कर सकती है वो। What about tonight's talent show? अच्छा, उसका talent show आज रात को भी था। So they asked her, okay, what about tonight's talent show? I'm ready, said Beatrice with a smile. बिल्कुल तैयार थी वो, उसकी smile ही बताती थी कितनी confident है वो। After all, her juggling act had won 3 years in a row. मतलब वो जो जगलिंग ऐसा ऐसा करती थी ना, 3 साल लगातार बैक टू बैक जीती, भाई वाह, देखो कितनी परफेक्ट है वो। और ये सभी लोग जानते थे, मोस्ट पीपल इन टाउन डिडंट इवन नो बीट्रिस नेम, मतलब लोगों को उसका असली नाम क्या है ये पता नहीं था, क्यों, दे जस्ट कॉल्ड हर द गर्ल हु नेवर मेक्स मिस्टेक। मतलब नाम जाने बगैर वो सिर्फ उतना ही जानते थे कि ये ऐसी लड़की है जो कभी भी गलती नहीं करती, बिकॉज फॉर एज लॉन्ग एज एनी वन कुड रिमेंबर शी नेवर डिड, कभी उसने गलती की नहीं थी तो वो क्यों उसका नाम जाने। अनलाइक बीट्रिस, कार्ल मेड लॉट ऑफ मिस्टेक, ही एट हिज क्रेयॉन्स एंड ड्रू विद हिज ग्रीन बीन्स, ही डांस्ड विद हिज हैंड्स एंड प्लेड द पियानो विद हिज फीट। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, हाथ पे अगर आप डांस करेंगे, पैरों से आप पियानो बजाएंगे तो वो बजेगा कैसे, टैंकों टिंग 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 करके बजेगा, है ना। तो ऐसा तो था कार्ल, उसी का भाई था लेकिन पूरा उल्टा था। कार्ल लव्ड टू मेक मिस्टेक्स, उसको गलतियां करना बहुत पसंद था, मेरी तरह। एट स्कूल बीट्रिस वॉज ऑन अ कुकिंग टीम विद हर टू बेस्ट फ्रेंड मिली एंड सारा, ये दो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स थी, एक का नाम था मिली, दूसरी का नाम था सारा। तो वो कुकिंग टीम में उसके साथ हुआ करती थी, टू मेक देयर जायंट रुबाब मफिन्स। रुबाब नाम का एक वेजिटेबल होता है, उसके मफिन्स तो मालूम होंगे, अब बहुत खाए होगा ना आप लोगों ने, दबा दबा के खाए होंगे। दे नीडेड 4 eggs, 4 अंडों के साथ उन्हें वो बनाना था। बीट्रिस वेंट टू द रेफ्रिजरेटर एंड केयरफुली चोज द बिगेस्ट एगिएस्ट eggs शी कुड फाइंड। मतलब ये बड़े बड़े से अंडे उसने उठाए। बट ऑन द वे बैक हर लेग्स पिल्ड आउट फ्रॉम अंडर हर, उसका पाँव फिसल गया एंड eggs वेंट फ्लाइंग, ये देखो कैसे वो स्लिप हो गई। बीट्रिस वॉज अबाउट टू मेक हर फर्स्ट मिस्टेक, उसके हाथ से पहली, सबसे पहली गलती होने वाली थी, बट शी डिडंट, उसने बचा लिया। कैसे बचा लिया, ऐसे, अंडे कहाँ हैं, दिख रहे हैं, कैसे पकड़ लिया उसने, कुछ हाथ से, कुछ पैर से, कुछ, एक तो मुंह में दबा लिया बगैर फूटे, है कि नहीं। दैट वॉज क्लोज, थॉट बीट्रिस, सॉरी बीट्रिस, आई ड्रॉप अ पीस ऑफ रुबाब, वो जो रुबाब का जो पीस था वो नीचे ज़मीन पे गिर गया था, ऐसा वो शेफ ने बोला ना, जिसके ऊपर से वो स्लिप हो गई, इसलिए उसने माफ़ी मांगी। तो उसके मुंह में तो अंडा था, वो बोली कि कैसे, फिर भी उसने कोशिश की बोलने की,
उसको बोलना क्या था, डोंट मेंशन इट विली, लेकिन अंडा होने की वजह से वो पूरा के पूरा साफ बोल नहीं पाई, लेकिन विली की समझ में आ गया। फॉर द रेस्ट ऑफ द स्कूल डे बीट्रिस कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर ऑलमोस्ट मिस्टेक। वो जो उसके हाथ से गलती होने वाली थी वो भूल नहीं पा रही थी वो पूरा दिन। ऑन हर वे होम फ्रॉम स्कूल बीट्रिस वॉच्ड मिली एंड सारा आइस स्केटिंग इन द पार्क। जॉइन अस, सेड मिली, इट्स फन, सेड सारा। क्या होता है ना, सर्दियों में पॉन्ड जो होते हैं ना उनमें बर्फ जम जाता है, और बर्फ जमने के बाद उस पर बच्चे आइस स्केटिंग करते हैं, बड़ा मजा आता है उनको करने में। मिली और सारा आइस स्केटिंग कर रही थी, तो उन्होंने उसको कहा बीट्रिस को कि तुम भी आओ, चलो खेलो, मजा आएगा। बीट्रिस वॉच देम स्लिप एंड स्लाइड ऑन द फ्रोजन पॉन्ड। मिली एंड सारा लाफ्ड एज दे वॉबल्ड ऑन द आइस। दे वर एंजॉयिंग, लेकिन बीट्रिस को शायद वो नहीं करना था, इसलिए उसने कहा नो थैंक्स। एट सपर बीट्रिस बेयरली टच्ड हर फूड। खाना खाते वक्त बैठते ना सब लोग मम्मी डैडी के साथ में, तो वो बीट्रिस जो थी वो खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। इज एवरीथिंग ऑल राइट किडो, आस्क्ड हर फादर, जैसे हर पापा पूछते हैं सब कुछ ठीक तो है। आई एम वरीड, आई विल मेस अप टुनाइट, सेड बीट्रिस, एंड एवरीवन विल बी वॉचिंग। परेशान थी वो, उसको लग रहा था कि वो कुछ गड़बड़ कर देगी आज, आज के वो जो उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें सब लोग देख रहे होंगे, फिर उस वक्त फिर क्या होगा मेरा। वरी, यू डोंट मेक मिस्टेक्स, ही सेड विद अ स्माइल। अरे बेटा चिंता किस बात की, तुम तो कभी गलती करती ही नहीं हो। बीट्रिस ट्राइड टू स्माइल टू, मतलब थोड़ी हंसने की कोशिश कर रही थी, वो कर नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दिया। आफ्टर सफर बीट्रिस गॉट रेडी फॉर द टैलेंट शो, मतलब सफर के बाद तैयार हो गई थी वो टैलेंट शो के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए। फर्स्ट शी वोक हम्बर्ट फ्रॉम हिज नैप, वो खर्राटे मार रहा था उसका जो पेट था, तो उसको उसने जगा दिया। नेक्स्ट शी गॉट द सॉल्ट शेकर फ्रॉम द किचन टेबल। फाइनली शी फिल्ड अ बलून विद वाटर, जैसे आप होली में बनाते हैं ना वैसे। द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज पैक्ड, बीट्रिस फेल्ट हर स्टमक जंपिंग अराउंड इनसाइड हर, मतलब पेट में बटरफ्लाइज कैसे होते हैं आपके एग्जाम से पहले कैसे होते हैं वैसे। बीट्रिस वेटेड फॉर हर जगलिंग म्यूजिक टू बिगिन। दैट्स हर, दैट्स द गर्ल हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स, सेड अ वुमन, एक औरत ने बोली दिया। देखो भाई यही वो है जो कभी गलती नहीं करती। ओ वी नो शील बी परफेक्ट, सेड अ मैन, एक आदमी ने कहा कि वो हमें तो पता ही है कि वो परफेक्ट होगी। व्हेन द म्यूजिक स्टार्टेड शी टॉस्ड हम्बर्ट इनटू द एयर, मतलब उसने हम्बर्ट को ऐसे ऊपर फेंका। नेक्स्ट शी एडेड द सॉल्ट शेक एंड फाइनली द वाटर बलून, तीनों चीजें थी उसके पास, हम्बर्ट था, सॉल्ट शेकर था और वाटर बलून था, तीनों को उसने ऐसे जगल करते वक्त ऊपर किया। बीट्रिस डिडंट मिस अ बीट, द क्राउड क्लैप्ड विद डिलाइट, मतलब लोग तालियां बजा रहे थे। बीट्रिस नोटिस्ड समथिंग ऑड अबाउट द सॉल्ट शेकर, कुछ उसको गड़बड़ लगी सॉल्ट शेकर को देख के। हुए द स्पेक्स फॉलिंग आउट ऑफ इट वर नॉट वाइट, मतलब जो चीजें उस सॉल्ट शेकर से नीचे गिर रही थी वो सफेद नहीं थी। अभी सफेद नहीं थी का मतलब क्या, समझ में आया, सॉल्ट नहीं था वो। फिर क्या हुआ, फिर वो जो उसका जो पेट था ना जो ऊपर ऊपर ही था उसके नाक में घुस गया। क्या घुसा, पेपर, काली मिरी नाक में घुसी, तो फिर हुआ क्या उसके बाद, ये हुआ। आछू, मतलब देखो इतना छोटा सा वो और उसकी आछू कितनी बड़ी है, देखो दिखाई दे रही है। खैर जो होना था वो हो गया। हम्बर्ट वॉज सो सरप्राइज्ड बाय हिज स्नीज दैट ही ग्रैब्ड द वाटर बलून विद हिज क्लॉज, मतलब वो इतना डर गया कि अपने दोनों हाथों से उसने वो वाटर बलून को पकड़ लिया। अब हम्बर्ट के हाथों में नाखून कैसे होते हैं पता है ना, तो वो नाखून उसको लग गए और फूट गया वाटर बलून। हम्बर्ट पीसेस ऑफ वाटर बलून एंड द पेपर रेन्ड डाउन ऑन टॉप ऑफ बीट्रिस, मतलब बारिश हुई, अलग किस्म की बारिश। बारिश में सिर्फ पानी गिरता है ना, यहाँ पे सिर्फ पानी नहीं गिरा, पानी के साथ काली मिरी भी गिरी और वो बलून जो फूटा हुआ था उसके पीसेस भी गिरे, वो सब गिरा किस पे, बीट्रिस पे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एज लॉन्ग एज एनीवन कुड रिमेंबर बीट्रिस मेड अ मिस्टेक।
मतलब जिंदगी में पहली बार बीटरस के हाथ से गलती हो गई. एंड इट वॉज अ बिग वन, कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी वो. द म्यूजिक स्टॉप्ड, बीटरस डिडंट नो व्हाट टू डू. नेचुरली म्यूजिक तो बंद ही हो गया था. बेचारी बीटरस जो थी उसके पैर तले जमीन निकल गई थी, उसे पता नहीं था कि वो क्या करें. तो उसने क्या किया, क्राई नहीं, फिर क्या भाग गई स्टेज से. नहीं मतलब ये देखो ना, वो सामने खड़ी थी और क्राउड कैसे स्टंट था, बिल्कुल नो रिएक्शन, नो आवाज, नथिंग. बीट्रिस लुक्ड अप एट हम्बर्ट, ही लुक्ड बैक एट हर. हिज हैमस्टर फर वर सोक्ड एंड स्पेकल्ड विद बिट्स ऑफ बलून. बीट्रिस लेट आउट अ गिगल. ये सब देख के, क्योंकि उसके सर पे वो देखो हैमस्टर कैसा देखो सर पे है, उसके बाल गीले हुए हैं जितने भी हैं, और वो ऊपर देख रही है उसको, और ये सब चीजें देख के ऐसा बीट्रिस के मुंह से निकला. द गिगल ग्रू इनटू अ चकल एंड द चकल बिकेम अ लाफ. मतलब लोग क्या समझ रहे थे कि ये रोएगी, ये भाग जाएगी, नर्वस होगी, क्या क्या करेगी ये मिस्टेक होने के बाद. लेकिन हुआ क्या, वो हंसने लगी. द पीपल इन द क्राउड लुक्ड एट ईच अदर एंड देन बैक एट बीट्रिस. एक दूसरे की तरफ देखा, लोगों ने बीट्रिस की तरफ भी देखा. दे बिगैन टू गिगल, दे मतलब उन्हें भी हंसी आ गई वो सब देख कर. देन द चकल एंड देन फाइनली रोर विथ लाफ्टर. मतलब हंसी के फव्वारे शुरू हो गए. बीट्रिस एंड द ऑडियंस लाफ अंटिल दे कुडंट रिमेंबर व्हाई दे वर लाफिंग. दैट नाइट बीट्रिस स्लेप्ट बेटर देन शी एवर हैड. मतलब उस रात की नींद बीट्रिस की सबसे अच्छी नींद थी. In the morning, no fans greeted Beatrice. कोई fans थे ही नहीं वहाँ पर. When she got dressed, Beatrice, for no reason at all, put a polka dot sock on one foot and a plaid sock on the other. Matching नहीं पहना इस बार. Beatrice and Carl made sandwiches. This time they put the peanut butter and jelly on the outside. बाहर की तरफ लगाया इस बार, अंदर की तरफ नहीं लगाया. They called it an inside out पीबी एंड जे. पीबी मतलब पीनट बटर एंड जे मतलब जेली. मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे आपको पता ही नहीं है. लंच वॉज मेसी एंड डिलीशियस. लेटर बीट्रिस फाउंड मिली एंड सारा स्केटिंग इन द पार्क. मतलब वो जो पॉन्ड था ना वो आइस वाला, उस पर दे फेल अ लॉट एंड लाफ्ड. इस बार बीट्रिस ने भी उन्हें ज्वाइन किया था और तीनों स्केट कर रही थी, गिर रही थी. नाउ पीपल नो लॉन्गर Call her the girl who never makes mistakes. कोई भी नहीं था ऐसा जो उसे, यानी कि बीट्रिस को कहता था कि यही वो लड़की है जो कभी गलतियां नहीं करती, क्योंकि उसके हाथ से गलती हो गई थी, जिस गलती को उसने एंजॉय किया. देखो क्या है, हम लोग जितने भी हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, हमसे गलती होगी. हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना ही परफेक्ट बनने की कोशिश हमें करनी चाहिए. हमें सिंसियर बनने की कोशिश करनी चाहिए. हम जो कुछ भी करें उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें. पर ये हम हमेशा एक्सपेक्ट ना करें कि हम हमेशा परफेक्ट हों, क्योंकि इम्परफेक्शन में भी एक मज़ा है, एक गुदगुदी है, एक हंसी है, एक एन्जॉयमेंट है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लर्निंग. क्योंकि मिस्टेक्स के अलावा आप लर्न नहीं कर सकते, आप सीख नहीं सकते. और सीखने के लिए क्या करना है, मिस्टेक्स से डरना नहीं है. अगर हो गई है, जानबूझ के नहीं करना. अगर हो गई तो होने दो और उससे सीखो, और जब बड़े हो जाओ तो अपने छोटों को सिखाओ. अच्छी है ना कहानी. ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुननी हैं, एंजॉय करनी है, तो चैनल बटन्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आपने कितना एंजॉय किया यहाँ आकर और ये सारी कहानियाँ सुनकर. लव यू ऑल.